नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करूंगी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम कटिंग से कैसे लगाएं। अगर एक प्लांट एक बार आप ले लेते हैं तो इसके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है और बहुत अच्छा लगता है। गोल गोल इसकी पत्तियां होती हैं मोती जैसी। तो ये प्लांट मेरा काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, इसी से कटिंग लेकर आज मैं अपने और प्लांट बनाऊंगी, एक दो जगह और इसको लगाऊंगी, ताकि अगर किसी वजह से ये प्लांट कुछ गड़बड़ होके सूख साक भी जाता है तो मेरे पास और प्लांट इसके रहें। काफ़ी महंगे आते हैं ये प्लांट और इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पास और एक्स्ट्रा प्लांट रहें, अगर एक आध प्लांट ख़राब भी हो जाए तो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इस प्लांट को आप लाइट वाली जगह पर टांगिए और बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए। ये प्लांट ऐसा है कि थोड़ा सा भी पानी अगर इसमें रुक गया या फिर ज़्यादा पानी हो गया तो बहुत जल्दी ख़राब होता है। पानी बहुत ही कम चाहिए इसमें। मैं तो 6 से 7-8 दिन में एक दिन या फिर 10 दिन में एक दिन पानी देती हूँ। और जब से ठंड ज़्यादा हुई है तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है विंडो पर। तो इसको ऐसी जगह पर टांगें जहाँ इसको अच्छी लाइट मिले। लाइट वाली जगह पर इसको टांगना बहुत ज़रूरी है। और अगर सुबह की एक आध घंटे की या फिर शाम की एक आध घंटे की धूप इसको मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो अभी तो ठंड की वजह से मेरे विंडो पर भी बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से इसकी कुछ पत्तियाँ सूखने लग गई हैं। तो जब इस पर थोड़ी एक आध घंटे की सनलाइट आती थी जब गर्मियों का मौसम था तो ये प्लांट और भी ज़्यादा हेल्दी था। तो आज मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। कटिंग से प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। और कटिंग इसकी लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे ये इंडोर ही प्लांट है। इंडोर आप जहाँ पर लाइट अच्छी आती हो ऐसी जगह पर इसको अगर आप लगाएंगे तो भी ये अच्छे से चलता रहेगा। उस और ज़्यादा आपको उसमें थोड़ा पानी का ही ध्यान रखना पड़ेगा और फर्टिलाइज़र भी इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो इसी प्लांट से मैं कटिंग ले रही हूँ कुछ, और कटिंग 6 से 7 इंच तक की आप ले लें वो सही रहेगी। तो काफ़ी महंगा प्लांट आता है दोस्तों, इसकी कटिंग भी अगर हम ऑनलाइन ले सकते हैं वो भी काफ़ी महंगी आती हैं। तो अपने प्लांट से तो ज़रूर हमें कटिंग्स लेकर लगा लेनी चाहिए। तो 6-7 कटिंग मैं ले लूँगी इसकी, और इस बास्केट से मैं अभी 1-2 प्लांट और बनाऊँगी, तो फिर हम इससे 1 से 2, 2 से 3 बास्केट अपनी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल छोटा सा गमला लिया है, लगभग 3 इंच का गमला है ये, 3-4 इंच का, और इसमें मैंने कोकोपीट भर ली है। कोकोपीट में कटिंग बहुत अच्छी और जल्दी चलती है ये वाली। तो छोटा गमला इसलिए लिया है, बड़े गमले में ज़्यादा मिट्टी होती है, फिर ज़्यादा ही पानी उसमें लग जाता है तो कटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है चलनी। तो छोटे गमले में ही लगाएं कटिंग तो अच्छा है। तो मैंने देखा है कि छोटे गमले में रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिलता है। तो ये अपनी कटिंग सबसे पहले ये देख लें कि किधर से हमें लगानी है, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल चेक कर लें ढंग से, और उसके बाद लगभग 3 से 4 पत्तियां जो ऊपर की हैं उनको हटा दें ताकि उसको हम मिट्टी में लगा सकें। और बहुत ही आराम से इनको हटाएं क्योंकि ये काफ़ी नाजुक सी होती है, तो उसकी जो ब्रांच है वो टूट ना जाए। हटाने के बाद इसको हम एक उंगली से गड्ढा करेंगे और इसको लगा देंगे। इसको आप या तो इस तरह से लगाएं या फिर इसको अगर आप मिट्टी पर ऐसे ही गोल गोल भी रख देंगे तो भी इसमें से रूट्स निकल आती हैं। जहाँ जहाँ से भी इसमें नोड एरिया होंगे वहाँ वहाँ से अपने आप ही रूट्स निकल आती हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट में बिल्कुल ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आप इसको लगाते हैं किसी बास्केट वगैरह में तो जब आप इसमें अच्छे से जैसे कि कोकोपीट और कंपोस्ट सैंड इनको मिलाकर उसमें खाद आपने मिलाई ली है मिट्टी में, तो उसके बाद फिर बार बार इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से लगभग 2 से 3 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र इसमें काफ़ी है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि वो ख़राब होने लगते हैं। इसमें पानी भी कम चाहिए और फर्टिलाइज़र भी कम ही चाहिए। तो सारी कटिंग इसी तरह से मैंने लगा ली है, और लगाने के बाद इसमें पानी दूंगी। बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के लिए मैंने स्प्रे बोतल से पानी छिड़का है सिर्फ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, 3 से 4 दिन में बस 1-2 सेकंड के लिए स्प्रे बोतल हमें इस पर छिड़कनी है। बिल्कुल हल्की सी ऊपर से बस नमी बनानी है इसमें, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं देना है इसमें। अगर इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी होगा तो ये कटिंग बिल्कुल गल जाएंगी, क्योंकि वैसे ही बहुत पतली पतली सी और नाजुक सी हैं ये।
तो इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पानी बिल्कुल कम देना है और मिट्टी बिल्कुल सूखनी भी चाहिए, हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। तो बस ये कटिंग इस तरह से आप लगा सकते हैं इसकी, और लाइट वाली जगह पे रखें इनको। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।